फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत खास लेसन जो हमारे डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। यानी अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलता है जहां आप कहते हैं नाटक करता है या नाटक करती है या नाटक करते हैं। जैसे तुम सोने का नाटक करते हो या तुम सोने का नाटक कर रहे थे। वह अमीर बनने का नाटक करता है। तुम मेरे दोस्त होने का नाटक करते हो। वह शरीफ इंसान होने का नाटक किया। तो फ्रेंड्स, जब आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें नाटक करता है या नाटक करते हो या नाटक करती है, तो आइए फ्रेंड्स देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक्ट टू बी यानी नाटक करता है। फ्रेंड्स, एक्ट टू बी का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी आपके सेंटेंस जिस टेंस में रहे आप एक्ट को चेंज कर लेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आप एक्ट या एक्ट्स लिखेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप पास्ट फॉर्म में एक्टेड यानी ईडी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस रहा रही में है तो आप आईएनजी फॉर्म यानी एक्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप हैव के साथ एक्ट प्लस ईडी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्ट का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस आता है क्योंकि मैंने पार्ट 6 से लेकर 10 तक पूरे टेंस आपको सिखा दिए। और उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देख चुके हैं तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स, एक्ट टू बी यानी नाटक करता है। जैसे अगर लिखा हो वह रोने का नाटक करता है तो आप कहेंगे ही एक्ट टू बी वीपिंग। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो वह सोने का नाटक करती है तो आप कहेंगे सी एक्ट टू बी स्लीपिंग। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो तुम गरीब होने का नाटक करते हो तो आप कहेंगे यू एक्ट टू बी पुअर। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर लिखा होता तुम गरीब होने का नाटक किए तो आप यहाँ पर ईडी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे You acted to be poor. वह सोने का नाटक की तो आप कहेंगे She acted to be sleeping. वह रोने का नाटक किया तो आप कहेंगे He acted to be weeping. आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वे अमीर होने का नाटक करते हैं तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे They act to be rich. Act to be यानी नाटक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो तो मेरे दोस्त होने का नाटक करते हो तो आप कहेंगे यू एक्ट टू बी माई फ्रेंड। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो वह बीमार होने का नाटक किया, यह सेंटेंस पास्ट में है, तो आप कहेंगे ही एक्टेड टू बी इल। तो फ्रेंड्स, जब आपको कहना हो नाटक करता है या नाटक करते हो तो आप एक्ट टू बी का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। एक्ट टू बी के बाद आप कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन या फिर आप किसी जीरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम एक गुंडा होने का नाटक करते हो तो आप कहेंगे यू एक्ट टू बी अ होलीगन। अगर आपको कहना हो तुम शरीफ होने का नाटक करते हो तो आप कहेंगे यू एक्ट टू बी जेंटल। अगर आपको कहना हो वह महान बनने का नाटक किया तो आप कहेंगे ही एक्टेड टू बी ग्रेट। ये सेंटेंस पास्ट में था। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह भिखारी होने का नाटक करता है तो आप कहेंगे ही एक्ट टू बी अ बेगर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह एक्ट टू बी आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस कंसेप्ट को आपने शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं चेक करके देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।